Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hi and welcome to Student Coverage. This is Arshi Khan. एक और वीडियो जो कि कॉलेजेस के कंपैरिजन के बीच में है. हमारी सर्च कभी खत्म नहीं हो सकती जब हम बात करते हैं एक राइट बी स्कूल चूज करने की. उसका रीजन ये होता है कि हमारा लास्ट ईयर लास्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम वो ईयर्स वाइज भी बात करें और या फिर पैसों वाइज भी बात करें तो वो तो हमारी सर्च चलती रहती है. बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हम दो कॉलेजेस के बीच में आके स्टक हो जाते हैं एंड हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उन दोनों में से हम कौन सा कॉलेज ऑप्ट करें. बिकॉज यू नो अगर आप फीस स्ट्रक्चर उन कॉलेजेस के देखते हो या फिर सारी चीज़ें देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक जैसा लगता है एंड इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो. एंड दैट इज़ द रीज़न कम्युनिटी सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने कंपैरिजन जिन जिन कॉलेज में कन्फ्यूज हैं वो पोस्ट किए हैं एंड उसी में से एक कंपैरिजन पे मैं बनाने वाली हूँ जिसका नाम है IIT हैदराबाद वर्सेज NIA नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी. अगर मैं IIT की बात करूँ तो हैदराबाद में ये कॉलेज लोकेटेड है. 1964 का कॉलेज है, कई सारे कोर्सेज ऑफर करता है जो कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड नॉट जस्ट दिस AICTE MBA का अक्रेडिशन तो है ही है, साथ ही साथ PGDM कराता है जो कि AICTE अफिलिएटेड है. दूसरी तरफ है हमारे पास NIA जो कि पुणे में लोकेटेड कॉलेज है, AICTE AIU अफिलिएटेड है, 1980 का कॉलेज है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है एंड अगेन जो इकोनॉमिकल कैपिटल है, IIT यू नो कैपिटल है इंडिया की, पुणे बैंगलोर उसमें ये कॉलेज लोकेटेड है. सो अगेन अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले मैं देखती हूँ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ IIT हैदराबाद. सो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है PGDM कोर्स का वो फीस स्ट्रक्चर है समवेयर अराउंड 5.56 लाख रुपीज के आसपास, 5.5 के आसपास आपको आसपास पड़ेगा. बाकी अगेन एक बार फीस स्ट्रक्चर आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी टैली कर सकते हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करें NIA के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो इसका फीस स्ट्रक्चर 11,25,000 टू ईयर्स का कंप्लीट प्रोग्राम ये आपको पड़ता है. तो एक तरफ यू नो जहां से जस्ट आधी फीस स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे और दूसरी तरफ जो है जस्ट डबल फीस स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो. तो अगेन अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस IIT हैदराबाद की. सो अगेन मैंने आपको ऑलमोस्ट ये तो बता दिया है कि इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना है. जनरल मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में PGDM ऑफर करता है. मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन होना चाहिए. देन कैट, जैट, मैट और GMAT इन सभी का एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है फॉलोड बाई GDPI. मीन्स इसके बाद आपको GDPI देना पड़ता है आफ्टर फिलिंग इट्स एप्लीकेशन फॉर्म एंड थ्रू दैट यू कैन गेट इन टू द कॉलेज. दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की NIA के अंदर तो इनका एडमिशन प्रोसेस है कैट, मैट, जैट, GMAT, ये सभी एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं फॉलोड बाय GDPI. देन आपको इनका एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, GDPI होता है और उस बेसिस पे ये स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं. बट अगेन बिफोर दैट आपका मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है इफ़ वी टॉक अबाउट NIA एज वेल. और अगर हम इनटेक कैपेसिटी की बात करें NIA के अंदर तो ऑलमोस्ट सिर्फ 80 स्टूडेंट्स का इनटेक है NIA के अंदर. यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की वैसे तो मैंने दोनों ही कॉलेज पे इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टक हो रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू द नंबर जो नीचे दिया हुआ है, यू कैन हैव अ वर्ड विद द काउंसलर, दे कैन गाइड यू प्रॉपरली. बट अगर हम कट ऑफ की बात करें IIT हैदराबाद का तो इनका जो कट ऑफ है कैट के अंदर 70 एक्सपेक्ट करते हैं, देन उसके अलावा मैट के अंदर 80% कट ऑफ है, CMAT के अंदर 80% है एंड इवन आत्मा के अंदर 85 है. वेयर दूसरी तरफ अगर हम NIA की बात करें तो कैट CMAT के अंदर 75 है, कैट के अंदर 70 कट ऑफ जो है वो NIA जो है एक्सेप्ट करता है एंड अगेन दैट मीन्स मैट जो है वो NIA नहीं एक्सेप्ट करता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि कहलाता है प्लेसमेंट्स दोनों ही कॉलेज का. सो अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो NIA के हिसाब से 9,27,000 का एवरेज प्लेसमेंट है, वेर एज हाइएस्ट प्लेसमेंट 28 लाख रुपीज़ का है. एंड दूसरी तरफ अगर हम IIT हैदराबाद की बात करें तो एवरेज जो है वो है 5 लाख रुपीज़ के अराउंड एंड हाइएस्ट इज समवेयर अराउंड 16 लाख रुपीज़, जिसमें 80% प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कॉलेज जो है वो क्लेम कर रहा है.
जिसमें से टॉप MNC कंपनीज हैं एंड 70 अदर कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए IT के अंदर आई है. तो अगर आप ये सारे पैरामीटर्स इंक्लूड करो, विच इंक्लूड्स फी स्ट्रक्चर, कितना पुराना है कॉलेज, क्या करिकुलम है, सो लाइक एक चीज़ तो मैं बहुत सॉर्टेड हूँ. अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स ऑप्ट करना चाह रहे हो, अनडाउटेडली यू शुड गो टू NIA. बट अगेन, अगर आपका बजट उतना नहीं है, आप और किसी डोमेन में कोर्सेज देख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप IP हैदराबाद को कंसिडर कर सकते हो एज अ ऑप्शन. बट अगर आप सारी चीज़ों को काउंट करोगे तो दोनों में से NIA विल बी अ बेटर ऑप्शन. सो दिस वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन NIA एंड IPA. बट अगेन, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कुछ और कॉलेजेस आपने अपने माइंड में रखे हुए हैं, यू आर स्टिल स्टक टू फाइंड द राइट बी स्कूल, यू कैन रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज कोई कॉलेज अच्छा है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है. तो अपना प्रोफाइल शेयर करिए, जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपने डिसाइड किए वो शेयर करिए, द काउंसलर विल टेल यू कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है. सो दिस वॉज ऑल about it. If you liked it, please share it with your friends, because it can help them out to choose right B school. And I do come live every alternate day, so uske liye aap channel ko subscribe kar sakte hain and bell notification icon ko bhi daba sakte hain. And agar aap chah rahe ho ki main kisi topic pe video banaun, to uske liye you can let me know in the comment section. Thank you so much for watching. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.